हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता, क्वालिटी कैरियर कंसल्टेंसी बरेली यूपी से। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एमबीबीएस में एडमिशन कहाँ लिया जाए। बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि नीट के रिजल्ट को आज लगभग 10 दिन के आसपास हो गए और इसमें लगभग 20 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम में, जिसमें से लगभग 10 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए। अब इंडिया में जो सीट्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों मिला के वो लगभग 1 लाख के आसपास है, 1,05,000 के आसपास है सीट हैं। अब बच्चे हैं क्वालिफाइड 10 लाख, यानी कि 9 लाख बच्चों को तो सीट इंडिया में नहीं मिलने वाली। अब वो बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले 3 साल से 4 साल से ट्राई करते आ रहे हैं। अभी इंडिया में एक नया रूल भी आया हुआ है कि अब इस वर्ष से नेक्स्ट का एग्ज़ाम इंडिया के बच्चों पर भी लागू होने जा रहा है, यानी कि जो एग्ज़ाम विदेश के बच्चे दिया करते थे FMG के नाम से, वही नाम चेंज होके इंडिया वाले बच्चों पे नेक्स्ट इनाम से आएगा, यानी दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। जो इंडिया का कोर्स है MBBS जस्ट इक्वल टू एब्रॉड बन जाएगा, यानी एडमिशन थ्रू नीट होगा और आप रजिस्ट्रेशन से पहले आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो इंडिया में गवर्नमेंट सीट के लिए, आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी हो या OBC हो, 600 से ऊपर वाले नंबर के बच्चों को ही ये सीट मिलने के चांस है, उससे नीचे तो पॉसिबल है नहीं। तो या तो भी आप वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, प्राइवेट कॉलेज में जो सीट्स है उसका चार्ज लगता है पूरे कोर्स का, वो मिनिमम 70 लाख से स्टार्ट है और 1 करोड़ से ऊपर तक जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करें? तो बच्चों के लिए डॉक्टर बनने का है तो फिर उनके सामने एब्रॉड का एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। लेकिन अभी पिछले दिनों NMC ने अपना जो रेगुलेशन नया बनाया है 2021 का, जिसको उसमें बहुत सारे चेंजेज किए हैं। उसमें क्या किया है कि अब आप एब्रॉड जा रहे हैं तो उनकी 3-4 शर्तें हैं, उसको आप अगर मानेंगे तभी इंडियन गवर्नमेंट आपको इंडिया में नेक्स्ट के एग्ज़ाम में अपियर होने देगी, अदरवाइज आपको अपियर नहीं होने देगी। पहला है नीट क्वालिफाई होना चाहिए, दूसरा है कि जिस देश में भी आप जा रहे हैं तो वहाँ की जो ड्यूरेशन आप कोर्स है वो कम से कम 4.5 साल का होना चाहिए, 54 महीने का कम से कम कोर्स होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो बेहतर है। दूसरी बात क्या, जो कोर्स है उसके साथ साथ आपको वहाँ पर 1 साल की 12 महीने की इंटर्नशिप भी करनी है, और जो कोर्स जो होगा इंस्ट्रक्शन वो पूरी तरह इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ये 3 बात तो ठीक है, लेकिन एक और चीज़ इसमें जोड़ दी गई है वो ये है कि अब आपको जिस देश में भी जा रहे हैं तो जो वहाँ के बच्चे हैं, जो डिग्री उनको मिलेगी, जो रजिस्ट्रेशन उनको मिलता है, लाइसेंस मिलता है, वही आपको भी लेना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एब्रॉड के एजुकेशन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन पैदा कि किस जगह पे लाइसेंस वाला मैटर है कि कहाँ का मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस जगह आपको एब्रॉड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंडिया के प्राइवेट कॉलेज का बजट इतना नहीं है तो एब्रॉड से बेहतर कोई ऑप्शन मेरी नज़र में नहीं है, जहाँ पर आराम से आप 25-30 लाख रुपए में बड़े आराम से रहना खाना फीस सब अगर काउंट करेंगे तो आप करके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है किस देश के लिए हम लोग जाएँ, तो एज पर जो NMC का रेगुलेशन आया है उस हिसाब से देखा जाए तो इस समय कंट्री वाइज की हमें किस कंट्री में जाकर MBBS का कोर्स करना चाहिए। सबसे पहले नंबर आता है हमारा नेपाल का, क्योंकि नेपाल हमारे यूपी के बिल्कुल नज़दीक में है और जस्ट लाइक इंडिया जैसा ही है। लेकिन नेपाल में क्या है कि पहली बात तो जो वहाँ की एलिजिबिलिटी के बारे में आप जान लीजिए कि नेपाल में जो नीट का जो क्वालिफाइंग वाला स्कोर है वो करंट का माना जाता है। उसमें जैसे अब्रॉड में और किसी कंट्री में जाएंगे वहाँ 3 साल वैलिड है, लेकिन नेपाल ऐसी कंट्री है वहाँ पर वो करंट का मानेंगे। अगर आपको 23 में एडमिशन लेना है तो 23 में ही नीट का क्वालिफाई होना चाहिए, 22 का आपका नहीं माना जाएगा। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी जनरल कैटेगरी के काउंट होते हैं, यहाँ रिजर्वेशन वाला काउंट नहीं होगा। साथ ही साथ आपको क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये नेपाल की बात है। अब वहाँ का बजट की बात करते हैं। नेपाल का जो बजट है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने फॉरनर्स के लिए 75,000 यानी $75,000 निर्धारित किए हैं, जो लमसम 60 लाख के आस बनते हैं। तो जो वहाँ के अच्छे कॉलेज हैं जैसे आपके मणिपाल कॉलेज वगैरह है उसका बजट 60 से ऊपर जाता है, बाकी और जो कॉलेज हैं वो 50 से लेकर 60 लाख तक के बजट में आपके कॉलेज आते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी का और कोर्स का तो सब ठीक है, क्योंकि नेपाल बिल्कुल बेहतर है, लेकिन बजट थोड़ा ज़्यादा रहता है वहाँ पर। अगर आप एब्रॉड ही जा रहे हैं तो इतना बजट अगर 50 वाला देखेंगे तो रहना खाना जोड़ेंगे वो 60 तक जाएगा, 60 में 70 तक जाएगा। तो बेहतर है इससे इतने पैसे वहाँ खर्च करने से बेहतर आप थोड़ा और बढ़ा के इंडिया में ले सकते हैं। दूसरी बात, अभी तक वहाँ पर जो लाइसेंस की बात थी वो वैसे क्लियर हो गई है, क्योंकि नेपाल मेडिकल काउंसिल ने वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है कि वो इंडियन को लाइसेंस दे रहे हैं। लेकिन बस बात आती है बजट का, बजट जो है वहाँ का थोड़ा ज़्यादा रहता है। दूसरी हमारा डेस्टिनेशन बनता है बांग्लादेश का, क्योंकि बहुत सारे लोग बांग्लादेश भी जाते हैं। बांग्लादेश हमारे इंडिया के करीब में भी है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ मैं बताऊँ आपको, पहली बात सारे कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं,
जिसमें आपका एडमिशन होना है, और जिनका मिनिमम पैकेज जो है अगर आप जोड़ेंगे पूरे कोर्स का वो 35 के आसपास स्टार्ट होता है और आगे यहाँ पर 45 तक जाता है। दूसरी बात जो वहाँ की एलिजिबिलिटी की बात है, एलिजिबिलिटी वहाँ पर ये है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 60% से एबव होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो गैप है इंटरमीडिएट में जो गैप है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3 साल ट्राई करते हैं इंडिया के लिए, उसके बाद बात सोचते हैं हम विदेश चले जाएँ, तो एक मैटर आपको काउंट करता है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो अभी लाइसेंस की जो हम लोग बात करते थे, तो लाइसेंस वहाँ मिलता है लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए अलावा आप नहीं होते, उसके लिए आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। अब वर्क परमिट के क्या क्या कानून या क्या क्या रूल्स रहेंगे वो भविष्य में मालूम पड़ेंगे, पर आप बांग्लादेश वैलिड है। अब तीसरी बात आती है, आपके बहुत सारे बच्चे फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस का पहली बात तो दो बात आप समझ लीजिए कि फिलीपीन में ड्यूरेशन आपको जो कोर्स है वो कम है, जिसकी वजह से आपकी एलिजिबिलिटी में नहीं आता, और फिलीपीन फॉरनर्स के लिए किसी भी किस्म का लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता, तो फिलीपींस के लिए तो हम आपको राय नहीं देंगे कि आप फिलीपीन जाइए, क्योंकि जो बच्चे 2021 में गए हैं या 20 में गए हैं और जिनका एडमिशन 2021 में 18 नवंबर से पहले मेडिसिन के कोर्स में MD में नहीं हुआ है, वो सबके सब बच्चे बेकार हो गए। तो और जिनकी संख्या लगभग 10 से 12 हज़ार है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, तो वो अब उनके रिस्क है। तो इसलिए फिलीपीन के लिए हम आपको ये कहेंगे आप बेहतर अवॉइड करें। आज रही बात जॉर्जिया की, जॉर्जिया भी बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं। जॉर्जिया में मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ का रहना खाना थोड़ा खर्चीला होता है, साथ साथ वहाँ पर जॉर्जिया में एक मेन प्रॉब्लम है, बाकी सब अच्छा है, कंट्री अच्छा है, छोटा कंट्री है लेकिन पढ़ाई के हिसाब से बहुत बढ़िया है, सेफ कंट्री है, लेकिन बाकी जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि 6 साल के बाद वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको एज ए जूनियर डॉक्टर के रूप में मानते हैं, साथ साथ आपको जूनियर डॉक्टर के तौर पे आप वहाँ पर रह सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस वहाँ PG के बाद मिलता है, और PG का मतलब होता है 6 साल की UG हो गई, 3 साल की PG, यानी टोटल आपके बनते हैं 9 साल। जबकि NMC ने स्पष्ट बोला हुआ कि आपको अपना मेडिसिन का कोर्स MBBS का जो कोर्स है वो 10 वर्ष के अंदर कम्प्लीट कर लेना है, यानी आपको वहाँ से आने के बाद 10 वर्ष के अंदर अंदर नेक्स्ट के एग्जाम में अपीयर होना है। अब यहाँ पर एक रिस्क क्या होता है, बाकी सब ठीक है, एक रिस्क ये कि अगर आपने 9 साल का UG to PG किया उसके बाद आपको लाइसेंस हुआ तभी आप नेक्स्ट में अपीयर हो पाएंगे। अब वाइद में अगर किसी एक साल में आप फेल हो गए तो आप 10 साल तो वहीं हो गए, तो फिर आप अपीयर भी नहीं हो पाएंगे, तो एक रिस्क का मैटर रहता है, इसलिए बेहतर है कि जॉर्जिया को अवॉइड किया जाए। तीसरी कंट्री आती है आपकी जो बहुत पॉपुलर है, रशिया। रशिया नो डाउट सारे NMC के नॉर्म्स जो भी रूल्स रेगुलेशन है सबको फॉलो करता है, और यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 6 साल की है, इसमें इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड है, और ऐसा इंडियन एम्बेसी ने अपनी साइट पे भी दे रखा है, एडवाइजरी में भी दिया हुआ है, और RTI के तहत उन्होंने अपने लेटर हेड पे पूरा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर रशिया ले सकते हैं, रशिया सेफ कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आप अपना मेडिसिन का कोर्स कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कजाकिस्तान। आज का सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है कजाकिस्तान, बहुत सारे बच्चे कजाकिस्तान जा रहे हैं, और कजाकिस्तान नो डाउट सेफ भी है, बेटर भी है, और इंडिया साथ फ्रेंडली भी है, क्योंकि अभी कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए 14 दिन के लिए फ्री वीज़ा किया हुआ है, यानी आप चाहें तो आप कजाकिस्तान घूम के आ सकते हैं, आपको कोई वीज़ा नहीं लेना है, अपना पासपोर्ट आपके पास है, टिकट कराइए और चले जाइए। तो कजाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कजाकिस्तान में बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हैं, और एक मिनट मैं अभी रोकूंगा पहले कि विदेश जाने के लिए बेहतर है कि आप केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज करें, प्राइवेट के बेहतर गवर्नमेंट रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट में पहली बात तो आपका मान्यता का कोई मैटर नहीं रहता, और दूसरी बात आपकी फीस भी लगभग कम रहती है, तो ये बेटर ऑप्शन रहता है कि आप एब्रॉड में जाने के लिए गवर्नमेंट ऑप्शन चुनें। तो हम लोग कजाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो वीज़ा फ्री है, साथ ही साथ आपको वहाँ पर लाइसेंस भी मिलता है, और लाइसेंस जो होता है वो 3 लैंग्वेज में होता है, जो इंडियन एम्बेसी अपने साइट में मेंशन भी किया हुआ है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, रशियन में भी दे सकते हैं, कजाकिस्तान लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, तो कजाकिस्तान बेटर ऑप्शन है, आप यहाँ चुन सकते हैं। इसके बाद फिर बात आती है आपके उज्बेकिस्तान की, बात आती है उज्बेकिस्तान भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में पहली बात यह है कि वहाँ पर लाइसेंसिंग के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, ड्यूरेशन आपको वही 6 साल है, लाइसेंसिंग के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, जैसे इंडिया में आप कोर्स पूरा करते हैं तुरंत ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, वैसे ही आपको वहाँ मिल जाता है, और उसके बाद आप इंडिया आके नेक्स्ट में अपीयर होकर इंडिया में मान्यता पा सकते हैं।
तो उज्बेकिस्तान में भी आप जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किर्गिस्तान की, क्योंकि किर्गिस्तान बहुत पॉपुलर रहा है काफ़ी समय से, बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। वैसे तो बहुत छोटी कंट्री है, गवर्नमेंट की वहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, बाकी मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बहुत हैं। एजुकेशन का लेवल तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं आप किर्गिस्तान के लिए, लेकिन लोगों च्वाइस बहुत रही फीस कम को लेके। लेकिन अभी तक किर्गिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल नहीं किया है जिसमें ये क्लियर हो जाए कि वो लाइसेंस दे रहे हैं। एट प्रेजेंट की पोजिशन ये है, तो किर्गिस्तान को अभी हो सके तो आप अवॉइड ही करें। अब हम बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट भी काफ़ी पॉपुलर है, और लेकिन इजिप्ट का जो ड्यूरेशन आप कोर्स है वो 5+2 है, यानी सेम ईयर का कोर्स पढ़ते हैं। अब बहुत सारे देशों की बात हो गई, अभी एक मेन कंट्री रह गई जिसका नाम है चाइना। चाइना नो डाउट NMC के सारे रूल्स को फॉलो करता है। वहाँ पर ड्यूरेशन आप जो कोर्स है वो 5 ईयर्स का है, 1 साल की इंटर्नशिप है, वहाँ पर लाइसेंस भी मिलता है। लेकिन लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो चाइनीज लैंग्वेज देना पड़ता है, और चाइनीज लैंग्वेज सीखना बहुत टफ होता है। तो बस यही वजह है कि जिस वजह से चाइना को थोड़ा सा हम लोग यही अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाद में लाइसेंस मिलने में बहुत मुश्किल आपको होगी। तो ये सारे देशों के बारे में मैंने बताया आपको, तो इन सब के बाद यही समझ में आता है कि इस समय अगर सेव हम देखें, अपना बजट के हिसाब से देखें, तो हमें लगता है कि कजाकिस्तान है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, ये तीनों जगह बेटर मानी जाएंगी। क्योंकि ये आप एक तो यहाँ पर सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ हैं, लगभग 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं, फीस बहुत कम है। इंडियन बहुत सारे बच्चे पिछले 20-25 सालों से वहाँ जा रहे हैं, कितने सारे बैच पास आउट होके आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंट्री ज़्यादा बेटर है अपना MBBS कोर्स करने के लिए, जहाँ पर आप लो बजट में अपना MBBS कोर्स कर सकते, डॉक्टर बन सकते हैं। बाकी अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।